तंबाकू युक्त गुटखा व अन्य सामग्री की बिक्री पर रोक के बाद भी जिले में खुली तंबाकू का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोमवार को शहर में संचालित हो रहे तंबाकू पैकिंग के बड़े कारखाने पर प्रशासनिक अमले ने छापामार कार्रवाई कर करीब 40 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त कर दो कारखाने सील किए हैं। यह कार्यवाही SDM के नेतृत्व में नगरपालिका, खाद, ड्रग, श्रम, सेल्स टैक्स आदि विभागों ने की। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे अमला खंडवा रोड पहुंचा। यहां प्रतिष्ठित फर्म ब्रजेश टोबोको के 3 मंजिला गोडाउन में अफसरों के साथ करीब 20 से अधिक कर्मचारियों का अमला पहुंचा। खंडवा रोड पर कार्यवाही के दौरान अफसरों को बिरला मार्ग पर भी तंबाकू कारखाना संचालित होने की सूचना मिली, जिसके बाद अफसर 3:30 बजे बिरला मार्ग पहुंचे। SDM ओम नारायण सिंह बड़कुल ने बताया कि अवैध तरीके से तंबाकू कारखाने संचालन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। मौके पर जांच के दौरान गंदगी में सड़ी गली तंबाकू को पैकिंग किया जाना पाया गया। खंडवा रोड और बिल्ला मार्ग स्थित तंबाकू कारखानों को सील किया गया है। शुरुआती गिनती में 40 लाख की तंबाकू जब्त की गई है। करीब 8 विभागों द्वारा अनुमति, रजिस्ट्रेशन, टैक्स आदि की जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रहे हैं। को मैं पूर्व में सूचना दी थी और इसको ट्रेस करवाया गया है और यहाँ पर ये बहुत खराब कंडीशन में अवैध रूप से तंबाकू का कारखाना संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। क्या कार्रवाई की गई? तो अभी सबसे पहले ये तंबाकू कारखाने को ट्रेस किया गया है और यहाँ पर किसी प्रकार की इसको अनुमति नहीं है और यहाँ पर खराब तंबाकू को खाद्य पदार्थ के रूप में पैक किया जा रहा था और वहाँ पर बहुत अनकंडीशनल जगह पे मजदूर काम कर रहे थे। बिल्डिंग आप खुद देख रहे हैं कि बहुत गंदी जगहों पर उन तंबाकू को अवैध तरीके से पैकिंग किया जा रहा था और जो अभी प्रिंट क्या कार्रवाई की तरह अभी जब्ती की कार्रवाई हुई है काउंटिंग में और गोपा एक्ट के अंतर्गत, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत, फूड सेफ्टी के अंतर्गत, ड्रग के अंतर्गत व और अधिनियम जिनके अंतर्गत भी कार्रवाई इसमें अभी दिले रहे हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से UD News के लिए ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट।